नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं सबाना सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सीआरपीएफ में तैनात मेजर नरेश कुमार शहीद हो गए थे। आज जनपद हापुड़ में उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव होशियारपुर गढ़ी में लाया गया। आपको बता दें कि गांव होशियारपुर गढ़ी में हवलदार मेजर नरेश कुमार 1991 बैच के विद्यार्थी थे और उनकी उम्र 60 साल थी। वो इलाहाबाद में ऑन ड्यूटी शहीद हो गए। नरेश कुमार तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके चार बच्चे हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया है, जिसको देखने के लिए गांव में जमावड़ा लग गया, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें सलामी देकर अंतिम विदाई दी। अजय शहीद, जो शहीद हुए हैं, क्या नाम है इनका और किस पोस्ट पे थे और क्या कारण हुआ जो आज मृत्यु हुई है? ये हवलदार जीडी के पद पर तैनात थे इलाहाबाद जीसी बी स्टैंडर्ड में, और इनको अर्ली मॉर्निंग मतलब गेट पे कुछ सामान लेने जा रहे थे जी, तभी इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और इनकी डेथ हो गई। तो इनका शरीर आज कहाँ पे लाया गया? आज इनके जो गांव है होशियारपुर गढ़ी में जी, इलाहाबाद से लाया गया, खास में हापुड़ तहसील हापुड़ डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में उनके परिवार जनों को। धन्यवाद। और भी ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।